सारे मेहमान आ चुके हैं, हमारे मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार जनाब अलहाज सिद्दीक पाशा साहब, जो कर्नाटक के हुकूमत में विधानसभा में डिप्टी सेक्रेटरी के अहदे पर फायज हैं, हमारी मस्जिद के मदरसे के बीईटी के ट्रस्टी और जिम्मेदार हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मेहमानों का इस्तकबाल फरमा लें, फिर इंशाल्लाह जनाब एडवोकेट ताहिर साहब तो हाई कोर्ट के लायर हैं, और आप हजरात ने देखा होगा IBM चैनल पर मुस्तकिल IMEA से मुतालिक उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए आप ढाल बन के खड़े हुए हैं और उनकी मदद के लिए हर तरीके की कुर्बानी दे रहे हैं। और इसी तरीके पर NRC से मुतालिक भी कौम को बेदार करने के लिए हर वक्त अपने आप को पेश करने तैयार रहते हैं। इंशाल्लाह वो अपना प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश करेंगे। जनाब अलहाज, मैं हमारे काजीनामा साहब, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया, जो सुबह हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, माशाल्लाह काबिल एडवोकेट हैं, कि इन्होंने NRC के सिलसिले में तो एक स्टडी करके तो आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुस्लिम आबादी, हमारे कौम के अंदर जो बेदारी जो फैल रही है, वो सिलसिले में वही मुख्तसर से बातें बताएंगे। ये लंबी थोड़ी तस्वीर नहीं रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। ये आप सुनकर आप ही कुछ समझ सकते हैं कि NRC ये क्या है। तो इस मौके पे आए हुए हमारे ताहिर अहमद साहब को बिस्मिल्लाह मस्जिद कमेटी मदरसा अरेबिया तालीमुल कुरान के तरफ से अहलन सलम मैं वेलकम करता हूँ आपको बोल दीजिए। और साथ साथ में हमारे यहाँ इंडिया मीडिया चैनल के जिम्मेदार फरहान खुदा साहब भी यहाँ आए हुए हैं। माशाल्लाह चंदों को मालूम है कि आप अगर के वो व्हाट्सएप चैनल में देखते हैं तो वो मीडिया में तो हमारे दीनी और इस्लामी जो माहौल का जो भी जो मसला होता है वो मसले को जो है ना सही तरीके से मालूम करने की जो कोशिश करते हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो उनको भी हम मैं बिस्मिल्लाह मस्जिद कमेटी मदरसे अरबिया तालीम कुरान की तरफ से मैं खुशामदीद करता हूँ, अहलन सलाम करता हूँ। साथ साथ में ये प्रोग्राम कामयाब होने के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 30 से 35 मसाजिद हैं, वो मसाजिद के जिम्मेदारों के लिए हमने इन्विटेशन भेजा हुआ था, वहाँ के सदर सेक्रेटरी जिम्मेदारों के लिए, साथ साथ में उलमा जो उनकी जो मस्जिद में जो जुमा की जो तकरार करते हैं, तकरीर जो करते हैं, तो उन्होंने उन साहब भी अगर शायद आए हुए हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं आप तमाम के लिए मैं कमेटी की तरफ से मैं आपको भी खुशामदीद करता हूँ। और साथ साथ में हमारे मोहल्ले के भी चंद लोग यहाँ मौजूद है, और हमारे जिस कमेटी के सदर सेक्रेटरी और जिम्मेदार भी यहाँ मौजूद हैं, इन तमाम को और बिलखसूस हमारे मदरसे अरबिया तालीमुल कुरान के मोहतमिन जनाब मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब को भी मैं खुशामदीद करते हुए मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए जनाब ताहिर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना प्रोग्राम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौका दिया मुझे आप लोगों ने, खासतौर पर मुफ्ती साहब ने, कि मैं अपनी मालूमात जो NRC से रिलेटेड है आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और इसका मकसद क्या है, अगर आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, एक महीने या दो महीनों से सोशल मीडिया में ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे कि मुसलमानों को NRC के नाम पे डराया जा रहा है। और वो डर इतने हद तक पहुंच गया है कि कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने तो ये तो मान लिया है कि अगर हम लोगों के पास 1951 से पहले के एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, हिंदुस्तान के हम लोग रहने वाले नहीं है। तो हमें आज ना एक ना एक दिन क्या करेगी गवर्नमेंट, हमको हिंदुस्तान से बाहर भेजेगी। तो ये डर को दूर करने के लिए मैंने इसके ऊपर स्टडी किया। इसको NRC जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो एक कॉन्सेप्ट है, हमको क्या लगता है ये कि ये BJP गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, मोदी ने स्टार्ट किया है, अमित शाह ने स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो NRC जो है ये अब का स्टार्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये अब का ये नहीं है,
इसका कॉन्सेप्ट ही 1951 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तभी ये कॉन्सेप्ट बन गया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा रजिस्टर बनाने की का प्लान बना जिसमें कि हिंदुस्तान के रहने वाले सारे सिटीजन लोग क्या है वो लोग हिंदुस्तान में उस रजिस्टर में एंट्री होना। मगर ये रजिस्टर उस टाइम में बना नहीं हिंदुस्तान में, वो बना सिर्फ और सिर्फ असम में बना। अभी एनआरसी असम में क्यों बना, इसकी क्या वजूहत है और जो आज हम जो खबर सुनते हैं उसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में हमें जानना है। तो हमें क्या हिस्ट्री को हमें जानना पड़ेगा। देखो अंग्रेजों ने क्या है हिंदुस्तान में खासतौर पर बंगाल के हिस्से में 1757 में कब्जा कर लिया, 1757 में कब्जा कर लिया। मगर जो आसाम का इलाका था यानी कि जो फॉरेस्ट का इलाका जिसमें नागालैंड मणिपुर मिजोरम ये जो इलाके थे इनमें अंग्रेजों ने क्या कब कब्जा किया, उन्होंने 1846 में कब्जा किया। तो जब वो इलाके कब्जे गए थे वो कबीलाई लोग थे, वो ट्राइब्स के इलाके थे। तो अंग्रेजों ने वहां पे क्या किया, वहां पे चाय के बागान बनाना शुरू किया। वहां जब चाय के बागान बनाना शुरू किया तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो लोग दुनिया में कहीं भी कुछ भी अपनी हुकूमत को बढ़ाते थे तब क्या करते थे, लेबर को क्या करते थे, वर्कर्स को बंगाल से बिहार से यूपी से लेके जाते थे। उसी तरीके से वो लोग आसाम में भी किनको लेकर गए, ये बंगाल से उड़ीसा से बिहार से यूपी से लोगों को लेके गए। और एक वक्त ऐसा आया यानी कि 1950 यानी आजादी के नजदीक पहुंचने तक ऐसा वक्त आया कि लोगों को लगा, आसाम के लोगों को लगा कि भाई अगर इस तरीके से लोग अगर आते रहे तो जो हमारे जो लोकल लोग हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग कम हो जाएंगे और वो बाहर के लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके लिए 1951 में जब पूरे हिंदुस्तान में था इरादा एनआरसी बनाने का, मगर सिर्फ आसाम में वो एनआरसी बन गया, खत्म हो गया किसान। उसके बाद 1971 तक यानी कि 1947 से लेके 1971 तक ये वो अरसा है जब कि वेस्ट जो बांग्लादेश आज का है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो इस दौरान बांग्लादेश में जब भी कुछ परेशानी होती थी या पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में जो भी परेशानी होती थी तो पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग वहां से निकलकर असम के इलाकों में आते थे। अब मुसलमानों के लिए तो बांग्लादेश छोड़ने की कोई वो नहीं है, वजह नहीं है ना, क्योंकि उनकी कंट्री है। और उनके लिए क्या वजह रहेगी, वजह किसके लिए थी, नॉन मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उनके ऊपर जुल्म भी करती थी कई बार, कभी बार उनको खुद पसंद नहीं रहता था हम मुस्लिम कंट्री में रहे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से निकल के असम के इलाकों में जाते थे। तो असम में 1971 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वोटर लिस्ट बनी। उस वोटर लिस्ट में बताया गया कि 5 लाख से ज्यादा लोग असम में बढ़ गए, यानी कि 1966 में जो वोटर लिस्ट थी उससे 5 साल के अंदर यानी 1971 में 5 साल के अंदर कितने लोग बढ़े, 5 लाख लोग बढ़े। तो 5 लाख लोग क्या है, बहुत बड़े नंबर थे। क्यों नंबर थे, आज वोटर लिस्ट 18 साल की थी होती है, उस वक्त कितने साल की होती थी, 21 साल की। तो गवर्नमेंट जो वहां के असम के लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम लोग इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर ये वोटर लिस्ट में उभरेगा। इलेक्शन हुआ फिर भी 1973 में सिर्फ बहुत कम लोग क्या हुए, लोगों ने पार्टिसिपेशन किया इलेक्शन का और कांग्रेस गवर्नमेंट जीती। मगर क्या है, गवर्नमेंट में जो वोटिंग हुई बहुत कम परसेंटेज हुई 1973 में। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि भाई तुम लोग बोल रहे हो ना कि यहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स यानी बाहर के लोग आए हैं, हम लोग क्या करेंगे ट्रिब्यूनल को बनाएंगे। और ट्रिब्यूनल का काम क्या रहेगा कि जो भी बाहर के लोग आए उनको आइडेंटिफाई करके उनको वापस उनकी जगह भेजना। वो भी खास कामयाब नहीं हुआ। फिर 1979 में क्या हुआ, आसाम में एक बहुत बड़ा एजिटेशन शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। वो आंदोलन में क्या था, आसाम के जो लोग थे चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने आसाम स्टूडेंट यूनियन ने एक एजिटेशन किया जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान ये आसाम सिर्फ असमियों लोगों का और आसाम के बाहर जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों को क्या है हम लोग निकाल देंगे।
उसमें क्या हुआ, स्टूडेंट यूनियन के साथ में एक और आतंकवादी संगठन भी बना उल्फा बोल के, उसमें बहुत मारकाट हुई। शायद आप लोगों को मालूम होगा, एक नल्ली बोल के जगह है कारकोटा डिस्ट्रिक्ट आसाम में, वहां पर 11 अक्टूबर 1883 में 4000 मुसलमानों को मारा, 4000 मुसलमानों को, सिर्फ इस शक में कि ये लोग बांग्लादेशी है बोल के 4000 मुसलमानों को मारा। तो ऐसी जो वारदात बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। तब 1986 में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम में सेंट्रल में, उसने क्या किया, आसाम गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। आसाम के स्टूडेंट यूनियन जो एजुकेट कर रहे थे, उन्होंने उस साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसको बोलते आसाम अकॉर्ड। उस आसाम अकॉर्ड में क्या बताया गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी लोग आसाम में थे उनको आसाम का सिटीजन माना जाएगा और वो आसाम में रह सकेंगे। और क्या बताया गया, 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 तक, इस दौरान जो भी लोग आसाम में आए उनको आसाम का सिटीजन माना जाएगा, पर उनको क्या होगा, 10 साल के लिए उनको वोटिंग नहीं देंगे, हम 10 साल तक वोट नहीं डाल सकते, उसके बाद डाल सकते। और उसके बाद यानी कि 24 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग आए हैं उन लोगों को क्या करेंगे, हम लोग उनको हम आइडेंटिफाई करके बाहर भेज देंगे। ये कब हुआ, ये एग्रीमेंट 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट और आसाम स्टूडेंट यूनियन के साथ हुआ। उसी होने के बाद फिर वहां पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद आसाम गण परिषद बोल के पार्टी वहां पे हुकूमत में आई और वो 5 साल हुकूमत करी। मगर जो एनआरसी बोल के कभी भी वहां पे शुरू हुआ नहीं, वहां पे एनआरसी 1886 में होने के बावजूद भी कभी वहां पर एनआरसी बोल के वहां पे काम शुरू हुआ। 2010 में क्या हुआ, दो मुस्लिम इलाके, दो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, कारकोटा और बारपेट बोल के, जो कि बांग्लादेश से मिले हुए, इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ, पहली बार एनआरसी काम शुरू हुआ। 4 वीक काम चला हुआ, 4 वीक काम चला, वहां पे फुल लड़ाई हो गई, फुल वो हो गए, बॉर 27 लोग मारे 2010 में। तब आपको मालूम है कि 2009 में गवर्नमेंट सेंट्रल में नई नई आई थी और असम में 2010 में नई नई गवर्नमेंट आई थी। तो बीजेपी लोगों ने क्या समझा, ये बहुत अच्छा मौका है हमें इसे इलेक्शन में इस्तेमाल करने का। तब बीजेपी ने पहली बार 2013 में जो अभी वहां पर अभी चीफ मिनिस्टर है सोनावाला, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली 2013 में कि भाई ये जो आसाम में जो इंदिरा गांधी ने IMDT यानी इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल जो बनाया था 1973 में, आज तक उस ट्रिब्यूनल में से एक आदमी को भी आइडेंटिफाई करके कि ये बाहर का है उसने अब तक भेजा नहीं, तो इसको आप खत्म करो और एनआरसी की को चालू करो, एनआरसी को बनाने के लिए आप चालू करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डाली। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज इस पिटीशन में सुना वो भी आसाम का था, जो अभी हमारा चीफ जस्टिस है गोगोई, तो उसको पूरा इशू मालूम था। तो उन्होंने क्या, उसने क्या किया 2013 में कि आसाम में एनआरसी बनेगा और एनआरसी कोई गवर्नमेंट के अंडर में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनेगा। और उस एनआरसी में के बाद जो भी लोग बाहर के रहेंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग उनको हम बाहर भेज देंगे, यानी उनको फॉरनर डिक्लेयर कर देंगे और उनको बाहर भेज देंगे। ये 2013 में तय हुआ, तब से ये क्या है कॉन्सेप्ट, ये एनआरसी का ज्यादा लोगों के चर्चा में आया। रिसेंटली लास्ट ईयर 2017 में 31 जुलाई 2018 एनआरसी के पहला एक ड्राफ्ट आया था जिसमें कि 41 लाख लोग थे जो कि बाहर थे। अब जो आखिरी ड्राफ्ट आया है उसमें 19 लाख लोग बाहर। तो अब जब एनआरसी करना तो एक एक आदमी का रजिस्टर करना था, एक एक आदमी को रिकॉर्ड चेक करके उन्हें सही है या नहीं है, हिंदू आसाम में रहने वाला है या नहीं, उसको करना, उसको देखना था। तो इसके लिए कुछ तैयारी करनी थी। तो इसके लिए क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने दो मकसद से एनआरसी को बनाया। उसका एक पहला मकसद क्या था कि कोई भी इलीगल आदमी, यानी कि कोई भी इलीगल गैर कानूनी आदमी आसाम में नहीं रहे, और कोई भी आसाम का सिटीजन या इंडिया का सिटीजन परेशान होकर हिंदुस्तान से उसको निकालना था। इसका ये दो मकसद थे।
उस मकसद करने के लिए कुछ तैयारी की गई। क्या तैयारी की गई? पहले तो आसाम में हर 2500 घर के ऊपर, ये मैं क्यों आपको बताना बोल रहा हूं मैं आसाम, क्योंकि हमने हमें क्या डर है कि एनआरसी हिंदुस्तान में आ गया तो क्या होगा। अब हमारे पास तो कोई और वो पता करने का तरीका नहीं है ना। अगर हम आसाम का समझ जाएंगे, आसाम में एनआरसी कैसे आया और उसकी केस तैयारी हुई और कैसे उसको लागू किया, तो हमें समझना आसान होगा कि अगर एनआरसी हिंदुस्तान में आएगा या कर्नाटक में आएगा या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में आएगा तो क्या हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट होगी और गवर्नमेंट हमसे क्या क्या चाहेगी। तो उसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर। तो क्या किया उन्होंने, हर 2500 घर में एक सेवा केंद्र बनाया, एनआरसी सेवा केंद्र बनाया। वो सेवा केंद्र का काम क्या था उनका, वो लोग दिन में 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करते थे। और उनका काम क्या था, वो 2500 जो घर हैं उनके घरों में जाके उनको उनसे डॉक्यूमेंट रिसीव करना, ऑनलाइन ऑफलाइन उनको एप्लीकेशन डालना ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 1970 उसकी कट ऑफ डेट क्या रखी, 24 मार्च 1971, यानी कि जिसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हो जो साबित कर सके कि 24 मार्च 1971 से पहले वो लोग आसाम में आ गए थे, वो डॉक्यूमेंट उस एप्लीकेशन साथ लगाना था। अब वो डॉक्यूमेंट थे, वो कहते बहुत पुराने डॉक्यूमेंट थे, वो लोगों के पास तो नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आसाम की गवर्नमेंट ने क्या किया, लिस्ट बनाई डॉक्यूमेंट की, एक लिस्ट ए बनाई और एक लिस्ट बी बनाई। लिस्ट ए में वो डॉक्यूमेंट थे जो एप्लीकेशन देता है उसके वो लगाने थे डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे, वो एनआरसी 1951 की लिस्ट, उसमें किसी का नाम, 1971 से पहले जो भी वोटर लिस्ट, किसी भी वोटर लिस्ट में उसका नाम, राशन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या थे, वो लिस्ट ए में कोई भी, अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नोट दे देता तो वो सिटीजन बोल के। अब लिस्ट टू डॉक्यूमेंट होते, अब हो सकता है 71 के लोग तो नहीं जिंदा रहेंगे ना, तो लिस्ट बी में डॉक्यूमेंट होते जो कि उन्हें खुद नहीं दे, उसके माँ या बाप के नाम पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो। तो जो तो लिस्ट ए में डॉक्यूमेंट है वही लिस्ट बी में डॉक्यूमेंट है। अब गवर्नमेंट को मालूम था कि भाई 1951 के डॉक्यूमेंट को लेना हासिल करना बहुत मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे जो डॉक्यूमेंट थे आसाम के डॉक्यूमेंट, उनको पूरे को डिजिटलाइज किया, उनको ऑनलाइन पूरा किया और हर डॉक्यूमेंट का एक नंबर दिया। अब समझिए, अगर कोई बच्चा या कोई आदमी 1963 में कहीं पैदा हुआ हॉस्पिटल में, तो जो उसकी एंट्री रहेगी ना उसको एक नंबर था। तो आप अगर उसको यहां पर डॉक्यूमेंट देना है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वो नंबर निकलता था तो उनको सिर्फ नंबर लिखना था। तो इस तरीके से एनआरसी की कवायद शुरू हुई और कवायद होते 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 अब ये आखिरी उसमें लिस्ट में निकला। इसमें 19 लाख लोग जो है, वो ऐसा नहीं कि 19 लाख लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, उन 19 लाख लोगों ने भी डॉक्यूमेंट दिए, मगर क्या है उनके डॉक्यूमेंट को क्या है गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने एक्सेप्ट किया नहीं। और जो 19 लाख लोग हैं, उन 19 लाख लोगों में आपको शायद मालूम है या नहीं मालूम है, 13 लाख से ज्यादा नॉन मुस्लिम है और 1 लाख गोरखा लोग हैं। और जो मुस्लिम है वो भी कोई बांग्लादेश के मुस्लिम नहीं है, वो या तो बिहार के मुस्लिम है या बंगाल के मुस्लिम है। साथ ही साथ अब तो एक 1971 से पहले आसाम गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट इशू किए उन्होंने क्या किया, डिजिटलाइज कर दिया। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि हिंदुस्तान की किसी और गवर्नमेंट ने इशू किए हो 1971 से पहले, वो डॉक्यूमेंट भी अगर प्रोड्यूस किए, जैसे मान लीजिए आसाम में कोई आदमी 1990 में जाके रहने लगा है, तो नेचुरली असम में उसके डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, 71 से पहले डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे ना, उसके डॉक्यूमेंट कहाँ रहेंगे, जिस जगह से आया है, चाहे कर्नाटक से आया होगा, चाहे यूपी से आया होगा, चाहे बंगाल से आया होगा। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट भी जो कि 24 मार्च 1971 से पहले इशू हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट को वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया और उन सबको क्या किया गया, उनको लिस्ट में लाया। तो इस तरीके से एनआरसी आसाम में लागू हुआ। और ये जितनी भी हम लोग मीडिया में सुनते हैं
ये मीडिया में जितना भी हम लोग सुनते हैं इसमें क्या होती है, काफी हद तक सच्चाई रहती है और काफी हद तक सच्चाई नहीं है। इसमें एक सबसे सच्चाई क्या है, पूरे जो लोगों के डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने लिए, और ये पहली एक्सरसाइज है जो कि दुनिया में कहीं हुई है। अब आप समझिए 3,40,00,000 लोगों के लिए इतनी मुश्किल हुई है, तो 125 करोड़ लोगों के लिए करना आसान है क्या? 125 करोड़ लोगों के लिए करना आसान है क्या? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इंडिया में। रही बात, अब जो 19 लाख लोग हैं उनका क्या, या उनको बाहर भेज देंगे क्या? उनको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनको भी कोई फॉरेनर नहीं बोलेगा, उनको भी बाहर नहीं भेजेगा। उनके लिए एक दूसरा रास्ता क्या है, उनको 120 दिन के अंदर क्या करना है, उनको अपील करना है फॉरेन ट्रिब्यूनल, और फॉरेन ट्रिब्यूनल का क्या जो वहां पर हिसाब चलता है, जितने भी एप्लीकेशन फॉरेन ट्रिब्यूनल में आते हैं 2/3 यानी कि 2/3 एप्लीकेशन आमतौर पर अप्रूव होते हैं, यानी कि 19 लाख लोग अगर अप्लाई करेंगे तो 2/3 लोग आमतौर पर, वो लोग 12 लाख लोग ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट स्टेप है हाईकोर्ट, वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कोर्ट है क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो एक लंबा प्रोसीजर है, तो किसी हालत में कोई भी आदमी जाने वाला नहीं है और किसी को कोई तकलीफ होने वाले। अब दूसरी चीज आज हमने सुन रही है एक, और इसके अलावा एक NPR बोल के भी हम लोग सुन रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहा है कि अब NRC नहीं आएगा, NPR आएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आएगा, जिसमें एक एक मुसलमान की, एक एक हिंदुस्तान के रहने वाले की एंट्री होगी। सुना नहीं आप लोगों ने? सुना तो मैं आपको बता रहा हूं, ये भी सिर्फ डराने के लिए, NPR कोई नया नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2011 का जो जब सेंसस हुआ था उस वक्त ही बन गया था। जो आज हम लोग यहां बैठे हैं वो सारे के सारे लोग उस NPR में ऑलरेडी हैं हम लोग। अब चूंकि 2021 में गवर्नमेंट ने दोबारा सेंसस करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने, आप देखा होगा कुछ एक पिछले महीने एक नोटिफिकेशन घूम रहा था जिसमें बताया था 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 तक NPR की प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करेंगे बोलते। देखा नहीं देखा आपने वो, इसमें वो किसके लिए है, वो 2021 में जब ये जनगणना शुरू होने वाली है, जब सेंसस शुरू होने वाला उसकी तैयारी है। अब जो NPR होगा यानी जो पॉपुलेशन जो एंट्री होगी उसमें हो सकता है कि 2-3 और बातें एक्स्ट्रा हो जाए। तो हम जो मुसलमान हैं हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, एक खास जिम्मेदारी है, जब भी हम लोग ये जो NPR होता है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, वो हम मैं आपको बताता हूं, वो चीजें हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। एक तो क्या होता है, हम लोग जब कोई भी जब ये पूछता है हमारे से आके तुम्हारे बच्चे कितने हैं, हमारे 3 या 4-5 बच्चे रहते हैं, हम लोग क्या रहते हैं, शर्म के मारे 1 या 2 या कुछ गलत बताते हैं, होता नहीं होता है। तो आपको कोई गलत बताने जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बताना। प्लस शादियों के बारे में पूछते हैं, तो हिंदुस्तान में मुसलमान 4 शादी करे तो कोई गुनाह नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 2 करके भी क्या करते, जबरदस्ती झूठ बोलते हैं, तो वो हमें गलती नहीं करना। तीसरी जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से, तमिलनाडु से, आंध्र से आके रहते हैं कर्नाटक, उसमें पूछते हैं आप कहां पैदा हुए। लोग हम लोग क्या करते हैं, हमें मालूम रहता हम तमिलनाडु से आए, हम यही वाले बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग उसमें ध्यान से बोलना कहां पैदा हुए, जहां आप पैदा हो वहीं होना लिखना है आपको, उसमें कोई गलती नहीं है। आप तमिलनाडु छोड़ के यहां पर आ गए या बिहार छोड़ के यहां पर आ गए, हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मेघालय तक एक ही हिंदुस्तान है और उसमें कोई फर्क नहीं। तो ये चीजें बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। 1-2 बच्चों के बारे में खास ध्यान रखना है, शादी के बारे में खास ध्यान रखना है, कहां पैदा हुआ वो बिल्कुल क्लियर से बताना, क्योंकि अगर ये डेटा कभी इस्तेमाल हुए और उन डेटा में आप में गड़बड़ मिली तो क्या होगा, तकलीफ आपको भी। अब दूसरा जहनों में एक सवाल क्या रहता है, आसाम में 1951 का डॉक्यूमेंट पूछा है, ये 1971 का डॉक्यूमेंट पूछा है, अगर बाय चांस यहां पे NRC आ गया तब हमें कौन सी डेट का डॉक्यूमेंट पूछेंगे, एक सवाल हमारे जहन में रहता है। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर, वो 1971 या 1951 वो आसाम के लिए था और उसकी एक हिस्ट्री थी।
और वो हिस्ट्री कब तय हो गई थी, वो 1986 में तय हो गई थी, वो आज कुछ हुआ नहीं। अगर आज अगर यहाँ पे एनआरसी आएगी तो 1971 डेट नहीं आएगी, वो डेट जिस दिन से एनआरसी शुरू होगा उसी दिन डेट आएगी। तो बिल्कुल भी उसे परेशान होने की बात नहीं है। अब तीसरा सवाल क्या आता है, भाई मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ऐसा है, मेरे नाम की स्पेलिंग ये है, मेरे वोटर आईडी कार्ड में मेरा नाम की स्पेलिंग ये है, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा नाम की स्पेलिंग ये है। अब वो वीडियो जो मैसेज आता है वो नाम की स्पेलिंग रहेगी तो गलत हो जाएगा, आपको निकाल देंगे, आपको मानेंगे नहीं, बोल के ऐसा होता है। मैं आपको शायद मालूम है अच्छे ढंग से कि पिछले 25 सालों में जितने भी आईडी कार्ड बनते हैं उनमें फोटो रहता है। अगर समझिए मैं, मेरा फोटो ड्राइविंग लाइसेंस में है, मेरे नाम की स्पेलिंग उसमें ताहिर TAHIR लिखी है, वोटर आईडी कार्ड में मेरा नाम की स्पेलिंग TAHIR लिखी है, तो क्या मेरी फोटो बदल जाएगी? क्या मेरा फोटो मुझे प्रूफ है? तो वो भी एक प्रूफ है, तो आप उससे बिल्कुल परेशान होना नहीं है। मगर इसका मतलब नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट को ठीक नहीं करना है, आपने डॉक्यूमेंट को 100% ठीक करना है, मगर बगैर डर के करना है। और ये जो सोशल मीडिया में ये एनआरसी के मुतालिक या मुसलमानों पर जो जुल्म होता है उसके मुतालिक या मुसलमानों पर जो जाति होती है उसके मुतालिक जो वीडियो बना के सर्कुलेट करते हैं और वो हम भी अपना फरीजा समझ के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या रहता है? मुसलमानों को डराना। और हम भी क्या है उसको एक सुन्नत की तरीके से हम भी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आप लोगों कोई भी ऐसी कोई भी मैसेज आए तो कभी उसको फॉरवर्ड नहीं करना, पहले उसकी हकीकत जानना और सही जिससे कौम को फायदा हो वही मैसेज फॉरवर्ड करना, और कोई बेकार के मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना। ये सारी उसमें चीजें। और अब आज के आज अभी जो अभी पूरे हिंदुस्तान में स्पेशल ड्राइव चल रहा है वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट के ड्राइव में इसमें खास बात क्या है, जो इससे पहले जो वोटर लिस्ट का ड्राइव चलता था और ये वोटर लिस्ट के ड्राइव में खास फर्क है। इस बार जो वोटर लिस्ट का जो ड्राइव चल रहा है उसमें क्या करें, नाम को डिलीट भी कर रहे हैं। पहले जो वोटर लिस्ट का ड्राइव चल रहा है उसमें नाम को डिलीट नहीं कर रहे थे। यानी कि मान लीजिए घर में एक आदमी है, उस घर में वो गया, वो जो चेक करने गए, घर में 4 लोगों का नाम है, 4 लोग नहीं मिले तो क्या करते थे, उसको ऐसे छोड़ देते, डिलीट नहीं करते थे। अब लोग क्या कर रहे हैं, इस बार जो ड्राइव चल रहा है उसको डिलीट कर दे रहे। तो ऐसा परेशान होने का नहीं है, डिलीट हो गया तो मेरा डिलीट हो जाएगा, बोल गया परेशान होने। आपके सामने जब भी जहां पर आते हैं, जिस आप मान लीजिए अपने घर भी चेंज कर लिया है, तो आप अपना पुराना आईडी कार्ड दिखाकर उनको बताना है मेरा घर चेंज हो गया है, मैंने ये आईडी कार्ड है मेरा। तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म 8, वो फॉर्म 8 लेके वहीं भर के वो आपको एक स्लिप देंगे। ये खास तौर पे इस तरह जो चल रहा है ड्राइव चल रहा है इसमें अगर इसको वोटर लिस्ट भी बनाना है ऐड भी करना है तो वही फॉर्म भरकर उसको वहीं पर देना है, और जिसको चेंज भी करना है वही फॉर्म भर के उसको वहीं चेंज भी करना है, यानी उसको स्लिप देना है। और दूसरा, इस बार जो वोटर लिस्ट में आ रहा है एक ऑनलाइन, यानी कि घर का जो एक मेंबर है उसको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दे देंगे ताकि वो ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट को खुद भी कोई करेक्शन होती है उसको चेंज कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा एक मौका है जिस आप लोग अगर उससे डायरेक्ट फायदा उठा सकते हैं आप फायदा उठाइए, नहीं तो अपने दोस्तों से मिलकर उससे ज़्यादा उसको फायदा उठाइए। मगर NRC के बारे में मेरा जो बोलने का है, NRC सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए था, आसाम में इतनी परेशानी हुई तो चांस ही नहीं है हिंदुस्तान में होने का। अगर हिंदुस्तान में अगर होए भी तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें वो डेट रहेगी नहीं जो आसाम में थी। अब एक सवाल कई लोगों के जहन में आता है कि घरों में बच्चे पैदा होते हैं, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पूछा तो क्या करना है। कई लोगों के जहन सवाल की, मैं कल एक प्रोग्राम कर रहा था MS पार्लर में, जो लोग बोल रहे थे घरों में पैदा, देखिए जो घरों में जो भी पैदा होते हैं उनका भी क्या है रिकॉर्ड विलेज अकाउंटेंट के पास हो सकता है नहीं हो, फिर भी लॉ में क्या प्रोविजन है, किसी का रिकॉर्ड बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या है, कोर्ट से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है, कोर्ट से अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकता है। और अब आपने देखा होगा कि पासपोर्ट में एक 3-4 साल पहले तक बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी था, और अब पासपोर्ट को भी उसको खत्म कर दिया, बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, आधार में जो डेट है वही काफी है। और स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट, आप पहली क्लास में एडमिशन लिया हो उसमें जो डेट हुआ वो भी काफी है आपको, चाहे आपके 10th स्टैंडर्ड में कोई और डॉक्यूमेंट वो भी काफी है।
तो आपको ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आसाम में लिस्ट ए और लिस्ट बी जो डॉक्यूमेंट थे वो बहुत बड़ी लिस्ट थी, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है पूरे, मेरे पास जरूरी नहीं आधार कार्ड भी रहना, वोटर आईडी भी रहना, लाइसेंस भी रहना, जमीन कागजात भी रहना, मेरे ये पैन कार्ड भी रहना, मेरा एक डॉक्यूमेंट भी हाथों काफी है मेरे को अपने सिटीजनशिप साबित करना। मगर ये सवाल हिंदुस्तान में ना मुसलमान से पूछा जाएगा ना किसी गैर मुस्लिम से पूछा जाएगा। आसाम में एक उसकी हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल वजह थी, उसकी वजह से पूछा गया और वो अभी हकीकत मालूम चल गई, जहां पर 60% से ज्यादा कौन हो गए साबित कौन हो गए नॉन मुस्लिम ही गए वो बाहर के। अब एक और एक कानून जो गवर्नमेंट बनाना चाह रही है यहां पर वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी ध्यान रखिए। एक नया अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और वो इससे पहले वो लेकर आए भी थे, लोकसभा में पास भी हुआ था मगर राज्यसभा में पास हुआ नहीं इसलिए वो बिल फेल हो गया। वो बिल है उसमें क्या है, उस बिल में कि मुसलमान के अलावा, मुस्लिम के अलावा बौद्ध हिंदू सिख और क्रिश्चियन, ये लोग किसी भी कंट्री से हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल जाएगी, पर मुसलमानों को नहीं मिलेगी। ये कानून वो बनाने का उनका इरादा है। तो मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूं, अब तक तो ऐसा कोई कानून बना नहीं, अगर ऐसा कानून बनेगा भी तो भी वो कानून क्या होगा, वो सस्टेन नहीं रह सकता, वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर या जात के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता। और अगर ऐसा कानून बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल करेगी, आप लोग उसके लिए परेशान होना नहीं है। अगर ऐसा बनेगा तो मैं भी खुद और जो दूसरी सामाजिक तंजीमें जो हैं वो भी इसके ऊपर काम करेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चंद चंद मोटी मोटी बातें एनआरसी के बारे में एनपीआर के बारे में मैंने आपको बताई, इससे मुताले आपको कोई भी आपको कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आप पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश। आज से 15 दिन पहले शहरी में प्रोग्राम हुआ था इस्लामिक से, तो कमाल साहब एडवोकेट ने बताया था कि 1987 से 2004 तक जो पैदा हुए उनको माँ बाप में से किसी को हिंदुस्तानी शहरियत बनाना पड़ा था, और 2004 के बाद जो पैदा हुए उनको माँ बाप दोनों के लिए हिंदुस्तान में जरूरी है। उन्होंने कहा ये जो कमाल साहब ने बताया उन्होंने सही बताया, और मैंने जो बताया मैंने भी सही बताया, मैंने 1 जुलाई 2004 लास्ट का डेट बताया, ठीक है। और जो उन्होंने बोला ना 2004 के बाद तो दोनों माँ बाप होना बोल के, वो असल में लॉ में नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया पास किया थोड़े दिनों पहले, तो उन्होंने उस जजमेंट को रेफर करके बताया, पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लागू रहेगा। तो लॉ में क्या है, 2004 के बाद अगर कोई आदमी पैदा हुआ है उसके दोनों माँ बाप में से एक भी माँ बाप अगर हिंदुस्तान में 2004 से पैदा हुआ है तो हिंदुस्तानी है, मगर जो दूसरा जो है ना इलीगल माइग्रेंट नहीं है ना। इलीगल माइग्रेंट कैसा मतलब समझिए, अब एक बच्चा पैदा हुआ 2008 में उसकी माँ इंडियन थी, उसका बाप अमेरिका में रहने वाला या इंग्लैंड में, वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, वो हिंदुस्तानी माना जाएगा। अब मान लीजिए एक ऐसा है, एक शख्स हिंदुस्तान, उसकी माँ हिंदुस्तानी है, मगर जो उसका बाप होगा वो श्रीलंका से इलीगली हिंदुस्तान में रह रहा होगा, तो ऐसे माँ बाप का जब बच्चा पैदा होगा तो हिंदुस्तानी नहीं माना जाएगा। तो लॉ में इलीगल माइग्रेंट बोल के है। जो कमाल साहब ने जो स्टोरी जो बताया है वो कमाल साहब ने गलत नहीं बताया, कमाल साहब ने सही बताया, मगर वो बॉम्बे हाईकोर्ट का 2014 का जजमेंट है, वो लॉ नहीं है, लॉ में 1 जुलाई 2004 है। सर आपकी बातें सुनकर बड़ी चैनल और तसल्ली हुई, मुझे पूछना ये है कि आप ये बोल रहे थे कि एनआरसी यहाँ इस इलाके में नहीं आएगा, किसी और इलाके में भी नहीं आएगा, ये मैं समझता हूँ ये आपका नजरिया है। मेरा सवाल ये है कि आपके इस नजरिए के साथ कोई और दूसरे एडवोकेट अहबाब आपके साथ हैं? ये मैंने जो सही बताया हमारे भाई ने, मेरा नजरिया है, ये मेरा नजरिया दो वजह से है। एक तो आसाम में क्या हालत हुई बोल के हमें मालूम है कि 3.40 करोड़ लोगों के लिए कितनी मुश्किल हुई, अब 125 करोड़ लोगों के लिए है। मेरे कहने का मतलब है एनआरसी नहीं आएगा, और आएगा भी तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो डेट रहेगी, जो आसाम में जो डेट थी वो आसाम की हिस्ट्री की डेट थी, वो यहाँ पे जो डेट रहेगी, जो फ्रेश डेट रहेगी
आप उस डेट के हिसाब से अपने आपका जो डॉक्यूमेंट है इंशाल्लाह काम उसमें कोई परेशानी होगी नहीं और उसको कुछ भी आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आएगा भी तो ये हमारे IMB इंडियन मीडिया बुक्स के जरिए NRC से रिलेटेड और मुस्लिम से जो जो इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड YouTube में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि हमारी कॉम को बहुत फायदेमंद होती है और कॉम की लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसमें लीगल नॉलेज भी रहती है और बहुत सारे कॉम के इश्यूज रहते हैं उसके। तो आप लोग YouTube में उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको चैनल को देखते रहिए, आपको बहुत जो छोटे छोटे सवाल है ना जो आपको कहीं उसका आंसर नहीं मिलेगा इंशाल्लाह उसमें आपको आंसर मिलेगा। जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे एडवोकेट साहब ने कीमती मालूमात कानून की रोशनी में हमारे सामने पेश की, यकीनन इत्मीनान हुआ। ये आसाम की तारीख बताने का मकसद ये था, आसाम की सूरत हाल मुल्क के दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है। आप कर्नाटक को आसाम पर कयास मत कीजिए, आसाम खास हालात की वजह से वहाँ NRC में कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ सख्तियाँ हैं, वो खास हालात की वजह से है। बाकी उसके अलावा जो सूबे हैं, जो स्टेट है, वहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं। मोटी बात जो मैंने समझी वो ये है कि 2004 से पहले जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और उसके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है या लाइसेंस है या पासपोर्ट, कोई एक उसके पास है वो हिंदुस्तानी माना जाएगा। और 2004 के बाद पैदा होने वालों के लिए उनके माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट 2004 से पहले का अगर है वो भी हिंदुस्तानी माना जाएगा। आम तौर से आसाम के हालात को सामने रखकर लोग ये समझने लगे हैं कि वही हालात हमारे सूबे में भी होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसाम के अलावा सूबों में ये अगर बनेगा भी तो कोई मुश्किल की बात नहीं। सवालात में ये स्पेलिंग करेक्शन की बातें आई, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ दो दो तीन तीन नाम रखे जाते हैं कि खास नाम कुछ है, पुकारने का नाम कुछ है, ये तस्वुर सही नहीं है। नाम एक होता है, एक ही नाम होना चाहिए, खास अलग पुकारने का अलग, ये तस्वुर गलत है। और अब भी आप हजरात के पास मौका है, आपकी शहरियत और सिटीजनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बावजूद उसके आपके डॉक्यूमेंट में अगर करेक्शन की जरूरत है तो वो आप करवा लें। शहरियत पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा लेकिन आपको करवा लेना चाहिए। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट के सिलसिले में फिक्र करें, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, स्कूल के सर्टिफिकेट जमा करें, बच्चों की उम्र होने वोटर आईडी कार्ड बनाए, आधार कार्ड वो बनाए। यानी हमें इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन दस्तावेजी काम ये पूरे जो है बेदारी के साथ इसको करने की जरूरत है। मेरे हाल इस मुख्तसर से नशीब में अल्हम्दुलिल्लाह काफी इत्मीनान हुआ, वो जो हुआ खड़ा किया गया था उसके बादल काफी छिटने में मदद मिली। अल्लाह तबारक व तआला इस नशीब को बे इंतहा कबूल फरमाए। आमीन।